अंबरनाथ मध्ये सोनाराच्या दुकानात काम करणाऱ्या कामगारांनाच 5 लाखांचे दागिने लंपास केल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय. बांगडी गल्लीतील अरुण ज्वेलर्स या दुकानात हा प्रकार घडला असून या प्रकरणी अंबरनाथ पश्चिम पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. अंबरनाथच्या बांगडी गल्लीमध्ये अरुण ज्वेलर्स नावाचं दुकान आहे. या दुकानात भुराराम चौधरी मागील 2 वर्षांपासून काम करत होता. या कामगारानं दुकानातील थोडं थोडं करून तब्बल 5 लाखांचं सोनं लंपास केलं आणि तो सध्या फरार आहे. हा प्रकार दुकान मालक गणपत कुंभार यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी अंबरनाथ पश्चिम पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दिली. या प्रकरणी अंबरनाथ पश्चिम पोलीस तपास करत आहेत. मैंने एफआईआर दर्ज किया है कल 28 तारीख के दिन कि मेरे इधर एक बंदा था 2.5 साल से काम पे था और वो कम से 400 से 450 ग्राम गोल्ड मेरे स्टॉक में से उसने हाथ सफाई किया है चालाकी से एकदम जो उसने रिच सर स्टॉक में इसमें सब में उसने माइनस कर करके ऐसा 2 ग्राम 5 ग्राम 7 ग्राम ऐसा उसने माल स्टॉक से लेस किया है और दुकान से मेरे ना पूछे हुए उसने बेचा है. कहाँ बेचा है वो पता नहीं. वही हम तहकीकात कर रहे थे लेकिन उसके ना बताए वो यहाँ से फरार हो चुका है 22-23 तारीख को. कंप्लेंट किया मैंने कल 28 तारीख को कि ऐसी ऐसी घटना हुई है मेरे दुकान में. मेरे दुकान का भुराराम चिमनाराम चौधरी करके है लड़का. मेरे गांव से कुछ 7-8 किलोमीटर पे रहता है वो भी और गांव का ही है. क्या बताया पुलिस वाले ने? पुलिस वाले ने एफआईआर लिए हैं और बोले कि हम आगे की जांच पड़ताल करेंगे या फिर उसका जो भी है शोध निकालेंगे अपन.